अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा, पीएम मोदी का चीन को करारा जवाब। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। कुछ दिनों पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की आलोचना करते हुए कहा था कि चीन के जरिए अरुणाचल के क्षेत्रों के नाम बदलने के प्रयास से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा। चीन के इस हरकत पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बढ़ चुका है। कुछ दिनों पहले चीनी सरकार ने राज्य के विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी सूची जारी की। ड्रैगन के इस नापाक हरकत पर मोदी सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसी बीच पीएम मोदी ने भी चीन के इस फैसले की घोर निंदा करते हुए प्रतिक्रिया दी है। ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। पीएम मोदी ने सेला टनल का किया जिक्र। वहीं पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में बने सेला टनल के महत्व का भी जिक्र किया। बता दें कि यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक रणनीति गेम चेंजर है जो तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। उन्होंने पूर्वी उत्तर भारत के विकास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह क्षेत्र नए भारत की सबसे बड़ी सफलता की कहानी के रूप में उभरा है। जानकारी के मुताबिक इस सुरंग की वजह से चीन सीमा तक दूरी लगभग 10 किलोमीटर कम हो गई है। ये LC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बनी हुई है जिससे चीन की सीमा तक जल्दी पहुंचा जा सकेगा। काल्पनिक नाम रख देने से इस वास्तविकता नहीं बदला जा सकता। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने की कवायद को भारत खारिज करता रहा है। भारत का कहना है कि यह राज्य देश का अभिन्न अंग है और काल्पनिक नाम रख देने से इसका वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, अविभाज्य हिस्सा। एस जयशंकर कुछ दिनों पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की आलोचना करते हुए कहा था कि चीन के जरिए अरुणाचल के क्षेत्रों के नाम बदलने के प्रयास से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा। उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य था, है और भविष्य में भी रहेगा। जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा, अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा हो जाएगा? विदेश मंत्रालय भी दे चुका है करारा जवाब। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने की चीन की कोशिशों को 2 अप्रैल को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा था कि मनगढ़ंत नाम रखने से यह वास्तविकता नहीं बदली जाएगी क्योंकि यह राज्य भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, रहा है और हमेशा रहेगा। इस संबंध में मीडिया द्वारा किए गए सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के हवाले से एक बयान जारी कर कहा गया है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयासों को जारी रखे हुए है। हम ऐसे प्रयासों को दृढ़ता से स्वीकार करते हैं। मनगढ़ंत नाम रख देने से यह वास्तविकता नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, रहा है और हमेशा रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।